सबको जोहार, नमस्कार और आदाब। और आप लोग देख रहे हैं द बेसरा ब्लॉग। ब्लॉग देखने वाले तमाम दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है, जोहार है, नमस्कार है। और ये शाम का वक्त है और ये हम लोग घूमने निकले हैं। और ये सबको पता है कि हम दुमका झारखंड में रहते हैं और दुमके शहर से सटे हुए कुछ क्षेत्र हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, उसकी एक बानगी है, उसकी साइड में हम लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये नए नए घर बन रहे हैं और ये मेन रोड से रिंग रोड यानी विजयपुर अजभी मसलिया तरफ से आएंगे, बनवा तरफ से दुमका एंट्री करेंगे तो विजयपुर जिसे मिलेगा। तो रिंग रोड एक जाती है साहेबगंज होके और एक जाती है मार्केट दुमका टावर चौक होके। तो हम लोग जहाँ पर हैं वो रास्ता जो पड़ता है वो रिंग रोड विजयपुर से जब बाईपास होके रामपुर हाट वाले रिंग रोड में जाती है यानी फूलों झाने जिस होके मिलती है उसी साइड में है, वो अंदर का साइड है, अंदर का नज़ारा है। और ये देख सकते हैं इस जगह में धीरे धीरे ये जो बस्तियाँ और ये मोहल्ले डेवलप हो रहे हैं, आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं ये सारी बस्तियाँ हैं। हम लोग स्कूटी से आए हैं, गांव के रहने वाले जो ये लोग रहते हैं थोड़ा दूर में कर लिए हुए हैं। हम लोग का जो घर है वो लोग मार्केट के बीचों बीच पड़ता है। ये देख सकते हैं इस तरह का नज़ारा है। और दुमका में जो ज़मीन है फिलहाल काफ़ी कॉस्टली आता है, 720 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा आता है। इसको जानकारी ना हो उसके लिए मैं बता दूँ, 720 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा। तो ये मापी में आपको काफ़ी महंगी ज़मीनें मिलेगी। और ये सारी ज़मीनें जैसे कि बताया है एसपीटी एक्ट के तहत आप खरीद बिक्री कर नहीं सकते हैं, वो दान पत्र के माध्यम से लेन देन होता है। अगर आपको घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी हो तो इधर आप देख सकते हैं, इस तरह इधर भी है घर। और ये जो आखिरी लोकेशन आपको ये भी बता दूँ कि जो होली चाइल्ड स्कूल है, रानी चर्च है, उससे जस्ट पीछे है और उसकी दूरी है काफ़ी अच्छी दूरी है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे में यह पड़ता है। और मौसम आप देख सकते हैं आज शाम का वक्त में बारिश का मौसम, जैसे मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया कि बारिश होने की संभावना है, तो मौसम बिगड़ा हुआ है, बूंदा बूंदी भी हो रही है। हम लोग कुछ देर में घर चलेंगे और ये नज़ारा देखिए, फिलहाल रोड दिखाई नहीं दे रहा है, संभवतः रोड निकलेंगे इसी रास्ते से। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ भड़ाका से अलग हम लोग आए हुए हैं इधर घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून भरा स्वच्छ हवा चल रहा है, दिल को काफ़ी सुकून रहा मिल रहा है। ये देखिए इधर खजूर का पेड़, किस तरह की ज़मीन है, अब आ जाते हैं। चप्पल क्यों खोल लिए, कांटा कांटा लगेगा। अरे खजूर का पेड़ है ना, लग सकता है। ये देखो देखो देखो, बाबा हाय कर दो, दादा हाय कर दो। कैसा लग रहा है दोस्त मेरा ब्लॉग में आके, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, बोलो इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे रॉकी। रॉकी और मेरी धर्मपत्नी पीछे दिख रही है, इसका नाम रॉकी। स्वागत है आपका मेरा ब्लॉग में, इसका नाम रॉकी रखेंगे, ठीक है? उसका नाम रॉकी रखेंगे, ठीक है। बस हम लोग टाइम पास के लिए आए हैं, कुछ खास मकसद तो है नहीं आज फिर बनाने का, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ।
ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आज वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा है किस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाऊँ। ये छोटी सी जानकारी, ये जो दुमका में है, दुमका का ज़मीन के बारे में आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक सबको जोहार, नमस्कार और आदाब। बाय बाय।